सोने की लंका कंगाल हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी विरोध प्रदर्शन और पुलिस से झड़पों के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। इस ऐलान में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आपातकाल 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। देश में हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि राजपक्षे की सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर डाली है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। देश के लोग राजपक्षे सरकार से बेहद नाराज हैं। श्रीलंका की सत्ता के शिखर पर दशकों से राजपक्षे परिवार का राज है। राजपक्षे परिवार के 4 भाई श्रीलंका की सत्ता पर राज कर रहे हैं, जिन पर आरोप है कि वो निरंकुश बनकर बैठ चुके हैं और उन्होंने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। आज की तारीख में श्रीलंका 51 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा है। 5 लाख लोग गरीबी के दलदल में फंस चुके हैं। कुल 2.2 करोड़ की आबादी के सामने भीषण आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। बीते 1 महीने में श्रीलंकाई रुपया 45% तक गिर चुका है और आज 1 डॉलर की कीमत 292.50 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। महंगाई दर 17.50% पर पहुंच गई है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सिर्फ 2.36 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार शेष है। करीब 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है। 13 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती की जा रही है। स्ट्रीट लाइट बंद हो चुकी है। फ्यूल और गैस का संकट पैदा हो गया है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को घंटों कतारों में लगना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई हैं। आलम यह है कि यहाँ लोगों के लिए दूध सोने से ज़्यादा महंगा हो गया है। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ रहा है। ब्रेड के 1 पैकेट की कीमत 150 श्रीलंकाई रुपये पर पहुंच चुकी है। विरोध प्रदर्शन न सिर्फ राष्ट्रपति आवास के बाहर देखने को मिल रहे हैं, बल्कि श्रीलंका के अलग अलग इलाकों से भी ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, जिनमें पुलिस से झड़प हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोग सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो नॉर्थ, कोलंबो साउथ, कोलंबो सेंट्रल और नुगेगोडा पुलिस डिवीजन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।